नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लगातार आज जो है महागठबंधन की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था वो मानव श्रृंखला लेकर के, आप तस्वीरों पर देख रहे हैं कि ये बिहार के सभी जिले में मानव श्रृंखला मनाया जा रहा है। किसान मुद्दा जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा हो चुका है, जो लगभग ढाई महीने से अब जो है किसान लगातार वहाँ पे सिंधु बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर में रह रहे हैं। लगातार जिस तरह 26 जनवरी में जो एजेंडा चलाया गया उसके बाद जो है क्या कुछ है वो आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मानव श्रृंखला में यहाँ महागठबंधन की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी वो यहाँ जनता जो है वो खड़े हैं और इस किसान बिल के विरुद्ध लोग मानव श्रृंखला मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक मानव श्रृंखला को लेकर बात चल रही थी वो अब जो है सीधे यूँ कहें कि महागठबंधन की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही थी वो अब जो है जनता उतर चुकी है और ना ही इसमें कोई, जबकि महागठबंधन की तरफ से बातें कही गई थी और यहाँ सीधे सीधे किसान जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। और मानव श्रृंखला जो इस बार देख सकते हैं तस्वीरों पर कि यहाँ लोग जिस तरह से खड़े हैं और सीधा यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अगर सरकार इस बिल को वापस अगर नहीं लेती है तो और भी बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार इस बिल को लेकर अपने बातों में अड़ी हुई है, उसी तरह से लगातार किसान भी इस बिल को लेकर काफ़ी एकताएं दिख रही हैं। और आपको दिखा दें तस्वीरों के माध्यम से कि मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं सड़कें जाम कर दी गई है, मानव श्रृंखला के तौर मना रहे हैं लोग। इस तरफ देख रहे हैं दोनों साइड पर देख लीजिए आप, नेशनल हाईवे मार्ग है ये जो सिलीगुड़ी को जोड़ती है, जो है इसको जाम कर दिया गया है और मानव श्रृंखला लेकर यहाँ पे लोग जो है काफ़ी सतर्कता बढ़ती हुई है और लोगों का यही कहना है सरकार इस बिल को अगर वापस नहीं लेगी तो कई हथकंडे अपनाए जा सकता है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात कर लेंगे कि जो तस्वीरें जो है इस वक्त की बड़ी तस्वीरें लेके जुड़े हुए हम। और यहाँ खास करके जहाँ तक बात करें मानव श्रृंखला की, महागठबंधन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि इस बार जो है मानव श्रृंखला मनाया जाएगा बिहार में और टाइम जो है 12 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। और लगातार बड़ी तस्वीरें लेके हम जुड़े हुए हैं लाइव 24 न्यूज़ पर। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेंगे। क्या अभी मानव श्रृंखला क्यों मनानी पड़ी, क्या जरूरत पड़ गई आपने? इसलिए कि सरकार की जो काले कानून है इसके लिए मना, सरकार अंधा है, अंधा कानून मनाता है, अंधा से भी बदतर है ये हमारे सरकार। जब से ये कुर्सी में बैठा है किसानों के साथ अपमान के सिवा मान का तो कोई बात नहीं है। इन्होंने 3 कानून बना दिया, कभी 3 तलाक का बना दिया तो कभी NSCA का बना दिया, इनको तो कुछ सुनता नहीं है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, पहले मेरी बात सुनिए, कितनी शर्म की बात है कि दिल एक आदमी अगर प्यासा रहता है उसके पानी के लिए लोग दौड़ता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन मेरे केंद्र की सरकार इतनी बेवकूफ अंधी कानून बना करके इतना अंधा घटिया हरकत किया है कि पूरे दुनिया को दिखा दिया कि मैंने पानी के बगैर प्यासा किसानों को मारना चाहते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। अब किसान जाग गए हैं क्या? अब आप ही के वोट से मोदी सरकार आई, सरकार अब सरकार से नहीं चला रही है। सरकार कैसे चला रही है? देखिए ना, किसानों के साथ अपमान कर रहा है, किसानों के कानून वापस नहीं ले रहा है। आप ही लोगों ने वोट किया था। मैंने तो सोचा था कि अंधा अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा तो क्या, ये बुराई के सिवा कुछ नहीं कर रहा है, ये अंधा है। आप ही लोगों ने ना चाहते थे कि हिंदुत्व बने, हिंदुत्व राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने भारत, अब क्या हो गया? ये तो सोच ही गलत था, ये तो सोच ही गलत था, इनका सोच यही हो गया। ये अंबानी ग्रुप में बिक चुका है, विदेशी कंपनी में बिक चुका है, ये पूरे देश को बेचना चाहता है और बेचने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। हर जगह देखिए बेचने का ही प्लान है। मोदी जी का यही साजिश था कि मुसलमान मुफ्त भारत, तो मुस्लिम को तो मुफ्त करा रहा है। ये तो उनकी अपनी राजनीति है ना, हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान की जनता का अपना राज नहीं है, ये सब देश का सबका राज है, सब करेगा, ये उनकी अपनी सोच है, ये इनकी सोच, उनको रहना चाहिए। किसानों का अपमान बंद करे, तीनों कानून को वापस ले और हर हाल में, और जितने किसान मरा है उनके ऊपर जितने केस दायर हुए हैं सारे केस को वापस लेना होगा, और साथ साथ जितने किसान मरा है उसको मुआवजा देना होगा, और साथ साथ किसानों के जितने हानि हुए हैं, जितने किसान रोड में आए हुए हैं उनको भी मुआवजा देना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं थे, वो लोग थे जो पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, इनके पास काम नहीं है वो पार्टी पॉलिटिक्स। ये उनके लोग हैं जो रात में निकले थे लट्टी लेकर के, ये उनके लोग हैं, रोड में तो किसान है, हर जगह किसान है, ये उनके लोग हैं, वो अपने लोगों को दिखा रहा है। किसान तो पूरे रोड के घेर के रखे हैं, आज बिहार के किसान आए हैं, आज किशनगंज जिला के किसान उठ करके खड़े हो गए हैं, सोचना चाहिए।
ये सरकार को, ये सरकार अंधी है, निकम्मी सरकार है, नहीं कुछ नहीं आता है। ये चीजें लगातार आ रही है कि भाई यहाँ वो लोग खड़े हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो वो जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं वो लोग खड़े हैं। पूछिए ना, यहाँ कोई भी इतने लोग है, कहीं भी गवर्नमेंट से कोई भी पार्टी का आदमी है, कोई पार्टी का आदमी नहीं, सब किसान है। आम पब्लिक ने किसान आकर के खड़े, किसान के बच्चे खड़े। ये गवर्नमेंट एक ऐसी रूल चला रही है, इसी गंदी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं है जितना गंदा हुकूमत। अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, ये किसान एकता का है, हमें हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब, उससे नहीं मतलब। अब अन्नदाता सड़कों पे होंगे, आप ही के वोट से सरकार बनी ना, आप ही के वोट से, मेरे वोट से बनी है, लेकिन हम तो नहीं जानते ना कि ये अंधा कानून चलाएगा, ये मेरे ऊपर ही बैंड करेगा, मैं ही अनाज को उगाऊंगा और मेरे ऊपर ही बैंड करेगा, ये मेरे के लिए। तो हम तो इसे नहीं सोच के दिए थे ना, हमको तो उसको सोच के दिए थे कि देश में ताकत होगा, लेकिन ये ताकत क्या देश को बेच रहा है। वो तो कह रहे हैं एमएसपी में खरीद बिक्री होगी, आपके किसान जो उद्योगपति होंगे और उद्योगपति बिक्री तो होगा। एमएसपी का निर्धारित मूल्य क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, उससे क्यों पीछे हट रहा है, वो उससे पीछे क्यों होता है। आप लोग एमएसपी समझना नहीं चाह रहे हैं। हम क्या समझेंगे, वो तो काला बना के रखे हैं बीच में, तो वो तो खुद पीछे हट गए हैं, वो तो आना ही नहीं चाहता है, बैकफुट में आना ही नहीं चाहता है, फुट में भी नहीं आना, कहीं भी नहीं जाना चाहता है। वो तो सोचना चाहता है कि किसानों के साथ अन्याय हो और किसानों के अनाज का कोई मूल्य नहीं हो, जैसे मन चाहे वैसे विदेशी कंपनी का। चलिए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अबुलाला है। अबुलाला जी से बात हो रही थी, यहाँ जनता है जो अभी मानव श्रृंखला मना रहे हैं, और देखना यह है कि जिस तरह से लगातार एक तरफ सरकार पर पहल हो रही है और सरकार की तरफ जो लगातार टारगेट हो रही है वो मानव श्रृंखला लेकर के जो महागठबंधन की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी वो कहीं ना कहीं तस्वीरों पर देख रहे हैं। मैं किशनगंज से लाइव 24 न्यूज़ के लिए संवाददाता मिन्हाज आलम।